तो वो भी हमारी जमात के साथ खड़े होते हैं।
देखेंगे तो वही ग्रह के और टाइम क्या है, टाइम यानी आगमन, तो आगमन हमेशा आया हमारी को मतलब कि हमारी बात थी हमारी आज भी को थी टाइम तक खड़े होके से दिन है आज भी तक और आज भी है कि किसी को मोमन को रात से अब मोमन का रात क्या है ईमान तो इस बात के अंदर ईमान की आज भी को ले अगर ईमान सलामत है तो सब कुछ सलामत है तो मोमन का जो गले में बड़ा राज है तो वो उसका ईमान है गले में हाजिर ईमान मुझे पता लगा कि दो तीन दफा तुम रुक गए और वो इस तरह से रुके कि तीन टुकड़े रहे घर का फर्नीचर तक वो चोर लोग डाकू उठा ले जाए और डाकू कौन होते थे मिलिट्री वाले बंदूक क्या राइफल होती थी तो ये बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे और तो दागी में उठाए निकाल गए चार दफा के तक ठीक रहते थे तो काम थक जाते थे कितना लुटे लेकिन छह बारह महीने के अंदर व्यापार के अंदर उन्हें इतनी आमदनी हो जाती थी कि अगर उन्होंने लाख रुपया नुकसान उठाया था तो उनको भी दो लाख मिले तो दूसरी दफा लुटे तो दो लाख चले गए तो बारह महीने में इतना व्यापार हुआ कि चार लाख हो गए तो लुटते रहे बढ़ते रहे अगर इमाम फरमाया तो कभी सौ दफा अगर तुम नीचे गिर पड़ो लूट जाओ अगर तुम्हारा ईमान सलामत है तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं हमारे मजहब में हमारी दुनिया में हमारी जिंदगी में अगर कोई सबसे आला उत्तम चीज है तो वो ईमान है इसीलिए ईमान फरमाया कि हमेशा अपनी ईमान की सलामती की दुआ मांगते रहो अपने लिए ही नहीं अपनी अलग बात के लिए और उनसे मोहब्बत हो उसके लिए अलग से ईमान दो तो ये जो ईमान का पाठ है इसके अंदर जो रिसीवर का जो राज है तो ये बंगले मोटरे रिसीवर का राज नहीं है तो काफिरों के पास भी तो रिसीवर का राज ईमान चार लाख पच्चीस हजार बरस के बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी
दुनिया जल जाए और जिससे ये दुनिया जले उसमें दरख्त जानवर इंसान जो कुछ होगा वो सब जल जाएगा और वो करामत से बड़ा है, बड़ी खराब। लेकिन हर इंसान जब गुजरता है तो मौत का दिन उसके लिए करामत का दिन है। यह नहीं क्योंकि इंसान आज गुजर गया तो उसके रूह को खुदा तारा 4 लाख बरस तक कैसा रहने देगा और फिर हिसाब देगा। और ये हालत है मौत है वो कयामत का मौत के वक्त हमारा हिसाब किताब हो जाता है। तो आज हम मौला के पास आवेदन करते हैं कि ये दसवां दौर है और आखिरी दौर है। तो ये जो आखिरी दौर है इस दौर में खुदा ने जो हिसाब रहमती कर दी तो हम कहते हैं नबी आखिरी जमा आखिर जमाने का नबी, क्योंकि ये सारा वक्त 4 लाख 1000 बरस का रसूलुल्लाह की सफाई से रहमत से चलेगा। तो यह मौला ये दसवां दौर है और तूने प्रॉमिस किया है, वादा किया है, वो पूरा कर। तो उसने वादा क्या किया है? वादा यह है कि जो मेरे होंगे मैं उनसे रहमतें करूंगा। ये उसका वादा है। स्वामी महाराज जीना वचन संभालो कि तू पुराना अपना जो वचन है कि मैं जो मेरे होंगे उनको मैं अपने नजदीक रखूंगा, उनको मैं दुखों से नजात दिलाऊंगा, उनकी मैं मदद करूंगा। तो इस वादे को पूरा कर। वादा किया है उस हिसाब से उसके साथ शादी कर और रिकी करना जीत तुम्हारा मोमन का जो जी है उसको तुम आखिर तक पहुंचाओ। अभी विश्व से मतलब वही, लेकिन विश्व को वर के तो मोमन के जी सूत्र से सुधारे। यहाँ इशारा ये नहीं है कि मौला आपकी दुनिया के ऊपर फटा करके राज करे और मोमन को एरोप्लेन देवे, मोटरें देवे और बंगले देवे। ये तो ऋषि के जी से सुधारने की बात नहीं। विश्व कुमारी हमारा जो जीव है शरीर को भी बदन को भी विश्व कुमारी कहते हैं और मेरा ये जो जवाब है विश्व कुमारी का वो गिनान्य है। गिनान है अलाई की दुआ
जो आदमी खुदा की तरफ से नियामत पाता है तो वो आदमी दूसरों का पाला करता है। ओके अकेले कर ईमान के सिवा हमने कभी किसी की बयत नहीं की, किसी के ऊपर हमने ईमान नहीं रखा,
हमने किसी को भी अपनी ईमानी और यकीनी हालत नहीं दी, तो ये कुंवारपना है। और ये कुंवारपना किस्मत की और नेकी और आला दर्जे की खूबी है। मजा हमारा जीव तो तेरी मिलकत है, अपना वादा पूरा कर। वादा तेरा यह है कि जो मेरी बंदगी करेंगे मैं उनके सीने से न रहूंगा, यानी उनके साथ सना का दर्जा होगा। तो मनो का जो जीव है उनको ठीक कर, उनकी दुख दलिता दूर कर। तो ये खुदा का वस्त्र पाने की यानी कि इबादत से रखते थे, ये इबादत इबादत लिखी है। इसके साथ एक और चीज लिखता हूँ और वो ये है
और कच्ची कच्ची बातें ज्यादा कौन सा नहीं है। मेरा फरमाया जब मैं किसी से राजी होता हूँ तब विशेष मत देता, तो फिर वो कहते थे कि जी वो जो राजी थी तो क्यों राजी है। उस आदमी ने फरमाया बड़ी ही बात खिदमत दू, फिर कहते थे तू जो राजी थी बहुत ज्यादा राजी हो जाए तो क्या दे। उस आदमी से कहते हैं मैं उसको बड़ी खिदमत दू, तो खिदमत जो है वही इबादत है। मैं तेरी खिदमत करूँ, मैं तेरी इबादत करूँ, ये मेरी आरजू है, तो मुझे इसमें से सब कुछ समझ मिलेगी और तू मेरे ऊपर रहमत कर कि मेरे मुंह से वही चीज निकले जो तेरा को पसंद हो। ये नदियों की हालत है। अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है कि नदी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, वो मुंह खोलता है तो मेरी मर्जी से बोलता है। तो ये हालत के लिए हम दुआ मांगते हैं खुदा की ये नियामत है कि जिस इंसान को इबादत और खिदमत का मौका मिले, तो चौथी नियामत में से ये नियामत है। तेरी तरह
से राजी होता उसको ये समझ लेता है कि वो अस्तगफार करे और आजिजी करे। तो अज़्ज़ व इंकसारी और अस्तगफार ये नियामत है जो पांचवे नंबर की इस किताब में रखी। मेरा सब दुख दलित
या वो सब चीजें यानी कैसे सभी ठीक है यहाँ दुख दरिद्र से मतलब गरीबी भूख ये नहीं, ये दुख दरिद्र गुना नापाकी गंदे ख्याल बेईमानी ये खुदा के रास्ते से हटा देती है, ये दुख दरिद्र है क्योंकि रूह तो यही चीजें खराब कर दो वालों को रहम करके मौला मेरी ये बदियां ये मेरे दुख दरिद्र दूर कर दे। महाव है, महाव से यहाँ मतलब अंता कभी या मौला तो अकबर है, सबसे बड़ा है। मुकंद है, मुकंद कहते हैं भूल करने वाले को मौत कर देने वाला। मुरारी कहते हैं बख्शीश देने वाला। तो भूल करे और माफ कर दे रहे उसका नाम है वहाब। वहाब रफूफ और वहाब का दूसरा मतलब ये भी होता है कि बिन मांगे जो बख्शीश दे रहे तो वहाब है अल्लाह वहाब, मांगे बगैर बख्शीश दे रहे या माफी मांगे बगैर माफ कर दे रहे उसको भी वहाब कहते हैं। तो हम सुबह की दुआ के बाद में जो चार तस्वीरें निकालते हैं उसमें एक वहाब का नाम है। तो मुकंद का मतलब माफ देने वाला और मुरारी कहते हैं बख्शीश देने वाला और वहां कहते हैं अक्सर दुख है सबसे बड़ा। क्या बोला मेरे ये दुख दरिद्र मेरे गुनाह गुनाहों की तरफ मेरा रुझान ये मेरी बदियां बुराइयां मेरे बद ख्याल नापाकी गलती इसको दूर कर दे तो माफ करने वाला बख्शीश देने वाला बड़ा है। तुझे त्रुटे नौ नंद पाऊ तुम अगर राजी हो जाए तो नौ की नौ नियामतें मुझे मिले जो तेरी नजर होवे तेरी रहमत होवे। तो इस गिनान के इस पाठ में जो नियामत मांगी है तो उसकी रहमत और बख्शीश की मांगी है। दरवाजे से आके कभी ना उम्मीद नहीं कोई होता। तेरा घर ऐसा है कि वहां से कोई खाली झोली लेके
वापस कोई नहीं आता। मगर मुस्तजारी के लिए ये बात थी। हजरिमा ने लिखा है कि मुस्तजारी से कोई तलब करता था तो मुस्तजारी उसको देते थे। मौला के घर में जाके ना उम्मीद कभी नहीं हुआ, तो इस उम्मीद से कि तेरे दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं फिरा, मैं ये मानता हूँ कि तू मुझे अपना दीदार दे, क्योंकि मैं तेरे चरणों पे पड़ा हूँ, ये तेरा भाव है, दीदार की बख्शीश सबसे बड़ी बख्शीश। मैं बोला तू मुझे अपना दीदार दे, क्योंकि तू बहुत बख्शीश देने वाला है और मैं तेरे पाँव में गिरा हूँ। तो दीदार और कुर्बत की जो सबसे आला नियामत है दुनियावी हिसाब से, हमारी सबसे पहली नियामत, पहला जो खुदा की बख्शीशों का दर्जा है, अव्वल वो है ईमान। तो ईमान के बाद ये सारी चीजें आई। अब इसकी एकदम मैक्सिमम हालत आ जाती है और वो ये है खुदा की कुर्बत और उसका दीदार। तो ये सारी दुनिया
और सहज यानी खरेज, इससे मौला ये दुनिया भरी हुई है। मेरे को ईमान की हालत में रहने दे, मेरा ईमान सलामत रहे और नेक हालत में मैं तेरे पास आऊं तो खुदा की पनाह मांगे और सिरात अल मुस्तकीम पर रहने की सलामती की दुआ मांगे। तुम्हें जो नौ नियामतें हर एक पाठ के अंदर एक एक दुआ और एक एक नियामत जो खुदा ताला की नौ नियामतें हैं जिसको हम नौ नंद कहते हैं वो उसके पास से मांगी। खुदा न करे आपको दुनिया में कोई तकलीफ आ गई, कोई मुसीबत आ जाए, तो उसके लिए बहुत सी दुआएं हैं जैसा कि या रहमान या रहीम की तस्वीर निकालो तो दुनिया के दुख गलत होते हैं। खुदा न करे कोई बहुत बड़ी बला आ गई तो जिसमें आबरू और ईमान और पैसा और तंदुरुस्ती सब चले जाने का डर हो तो उस वक्त या रब बला निकलना बाहर के शाह मरना कभी ये तस्वीर निकालो के तो अली का मामा ने फरमाया बहुत ताकत वाली तस्वीर है तुम जरूर उसमें से निकल जाओगे। लेकिन दुनिया की नियामतें दौलतें और सुख और दुनिया के दुखों में से बचाव के लिए जैसे हम दुआएं और तस्वीरें निकालते हैं और मांगते हैं इसी तरह से मोमन को अपनी रूहानियत के लिए भी अपनी आखिरत के लिए और मौत के बाद जो हमारी जिंदगी है उसके लिए कि वो जिंदगी हमारी अच्छी हो गई तो उसके लिए हमें खुदा के पास क्या दुआएं मांगनी वो ये गिनाना है। हर रोज कम से कम एक दफा खुद ये गिनान घर में दुकान पे हफ्ते में अपने मन में एक दफा जरूर और ये गिनान बोलने के बाद एक तकलीफ रसूल कबीर दीन के शुक्राने के लिए कि जिसने हमको ये नियमत बख्शी ये हमें रहनुमाई की और हिदायत की तो एक तस्वीर चीज का निकालना और हर घंटे की बात एक चीज का तस्वीर होती है और वो होती है उस गुरु की ग्रेटिट्यूड के अंदर शुक्राने के अंदर के जिसने हमें ये राह बताई। तो ये एक सफा इस चीज को जरूर मान। मैंने अभी कहा कि मौत के बाद हमारी जिंदगी अच्छी बने इस्लाम का और हसी की इस्माइली मदद का यही एम है कि इंसान जो है वो प्रोग्रेस करे डेवलप हो गए और सारी नेचर जो है वो डेवलपिंग कंडीशन में है प्रोग्रेसिव है दुनिया आगे बढ़ रही है एवोल्यूशन के हिसाब से भी इलम के हिसाब से भी रूहानी हिसाब से भी नेचर प्रोग्रेसिव है हमें इसके अंदर प्रोग्रेस करनी चाहिए और इसमें कोई शक नहीं कि हम आज इंसान हैं तो जानवरों की हालत में से निकल के हम इरतकाई मंजिलें तय करने के बाद जिसको इंग्लिश में एवोल्यूशन कहते हैं हम आज इस हालत से आए हैं हमें आज इस हालत से भी ज्यादा आगे बढ़ना है और भी आगे बढ़ना है। यहाँ तक के हमको एक दिन खुदा के नूर में फना हो जाना है ये हमारे मतलब का एम है ये हमारी मंजिल है। जब तक हम खुदा के नूर में फना नहीं हुए तब तक हमें इबादत करके हमें चलना है सफर करना है सफर में तब खड़ेंगे सफर में रास्ता खराब पाएगा भयानक जानवर भी मिलेंगे बियाबान जंगल भी आएंगे गर्मी सर्दी भी आएगी बारिश भी मिलेगी पहाड़ों पे चढ़ना होगा आप पहाड़ों से टक्कर लेनी होगी नदी नाले क्रॉस करने होंगे ये सब मुसीबतें उठानी है मासूक तक पहुंचने के लिए और वो मासूक अल्लाह ताला की बात है। ये हमारा एम है हमारी जिंदगी का ये एम है। और मैंने जिस तरह खाना खाने से पहले अर्ज की हमारी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें उस मंजिल के वास्ते जो सर्व सामान और तैयारियां है वो भी करनी चाहिए और उन तैयारियों में मैंने कहा कि कभी अल्लाह से मोहब्बत है हज़रत इमाम का जो नूर है वो भी पाक अल्लाह की बात अगर हमें उससे मोहब्बत है और हम अपने आमाल के हिसाब से अपने अंदर
मत ख्याल रखें, मैं पाक ख्याल रखें, हमारे काम अच्छे नहीं, हमारी जबान अच्छी नहीं, हमारे हाथ अच्छा काम नहीं करते, हमारी नजर नापाक है, हमारे ख्याल नापाक है, तो ऐसे हालत के अंदर गुनाह हमको कैसे मिल सकता है। अगर पाक जात के साथ दोस्ती रखनी है तो पाक करो, तभी जाके हमको वो नियामतें मिलेंगी। जितने भी अल्लाह के बंदे हैं उनसे जानबूझ के गलती नहीं होती, जानबूझ के गुनाह कभी नहीं करते। हमें सबसे बड़ा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस रहा इधर आके, आज हुए मुझे पाकिस्तान की है जनरल हालत देख के मुझे बहुत दुख हुआ। ये इस्लामी मुल्क, हमारा दावा इस्लाम था, जितना गुनाह यहाँ मैंने देखा है, मैं अभी अभी सारी दुनिया का ट्रिप लगा के आया हूँ, 4 महीने घूम रहा हूँ, जितना गुनाह मुझे पाकिस्तान में नजर आया कहीं नहीं था। यहाँ लोग नहीं जानवर बनते, मुसलमान की बात लोग नहीं जानवर बनते। जिस तरह जानवर के अंदर भलाई बुराई का कोई ख्याल नहीं होता, जानवर के अंदर जिस तरह से खुद गर्दी होती है, जानवर के अंदर जिस तरह से जुलम और गुस्सा ये चीजें होती है, ये चीजें यहाँ आम है। अच्छे लोग हैं यहाँ बहुत। 8 दिन पहले 20 दिन में हिंदुस्तान में रहा, मुंबई देखा, दिल्ली देखी, पुणे अहमदाबाद घूमा, मैं भी सोच रहा होगा यहाँ इस्लाम है वहाँ हिंदी है, बड़े वो लोग इन मुसलमानों से बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बदियाँ बुराइयाँ हर जगह है, हर जगह, लेकिन कहाँ बदियों का हिसाब कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। मगर यहाँ ज्यादा से ज्यादा बदली चोरी अरे हाथी खुद घर भी सब तरह की बुराई है, पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। तो आप लोग यहाँ मोहन बैठे हो, आप लोगों में बात अच्छी रूह है। आज मैं अर्ज करता हूँ यहाँ वो पाकिस्तान के लिए दुआ मांगा, पाकिस्तान की हालत और भी खुल जाए, और भी गिर जाए, लेकिन इंशाल्लाह इस बात के बाद अच्छा होगा। आप लोग इबादत करो, दुआ मांगो, तो अपनी औलाद के लिए, जवाब के लिए, अपने लिए, मगर ये भी कहने के कि जमा खानों ने मुझे क्या मजबूर दुआ मांगते हैं कि हम औला कि पाकिस्तान को सलामत रहे, ठीक है, सलामत तो रहेगा, पाकिस्तान लुटेगा नहीं, लेकिन मैं जो कहता हूँ दुआ मांगो तो ये मांगो कि पाकिस्तान के लोगों को ईमान की तौफीक दे। यहाँ लोगों में ईमान नहीं है, सिर्फ नाम के मुसलमान है। मेरा पाकिस्तान ये खाना है अच्छा, यहाँ के लोगों को अच्छा 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 मुसलमान बना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगर श्रीनगर काफरों में रहते हैं तो ईमान की सलामती मुश्किल होती, और ये आखिरी बात मुझे रखन कर जी ने ये मांगा कि हम बोला अभी ये सारी दुनिया ये जो पूर्ण सतर्क फल भर गया झूठ और अरब से भरा हुआ है, मेरा ईमान सलामत रहे, मुझे इस तरह से उठाना बहुत जुआ मांग बहुत जुआ मांग। कभी भी आप काम काज करते करते थोड़ा याद आ जाए तो जिनको आप याद करते हो उनके लिए भी जुआ मांगो, और अपने मुल्क के लिए يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على احمد تیری حتا نور احد کو دیکھ لو. احمد تیری حتا نور احد کو دیکھ لو. رحمت للعالمین اللہ کی رحمت دیکھ لو. اللہ کی رحمت دیکھ لو. صلی علی محمد صلی علی محمد صلی کریم علی محمد صلی کریم نور محمد. اوپر کرو درود و سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على Oh, my God.